दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की। जो एक आ जाए शरीर में तो सैकड़ों बीमारियों को ये बुला लेती है। इसको मजाक में लेकिन गंभीरता से कहा जाता है कि ये मदर डिसीज है, माने सभी बीमारियों की आई है ये कोष्ठबद्धता। अगर ये आ गई तो सब बीमारियां आपको आने वाली हैं। डायबिटीज भी आएगा आपको, ये गुड़गे भी दुखेंगे आपको, गैस भी बनेगी आपको, गैस्ट्राइटिस भी होगा, अल्सर भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको। तो एक छोटी सी बीमारी आपके शरीर में आए तो सैकड़ों बीमारियां आए। इसलिए कल मैंने कहा था कि सबसे गंभीर बात आयुर्वेद चिकित्सा की वो ये कि ठंडा पानी कभी ना पिए। पानी हमेशा आप इतना गर्म पिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तापमान के रूप में, तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आयुर्वेद की व्यवस्था ये है, नियम ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म आपका शरीर है, कम से कम इतना गर्म पानी तो जरूर पिए। लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता। जो सामान्य तापमान होता है लगभग उससे 1 या 2 डिग्री ही कम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो पानी है और बर्फ का जो पानी है, इसका तापमान तो बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। इसलिए फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी बिल्कुल निषिद्ध है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।